खबरों की ओर, भाजपा से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार राव नरवीर के समर्थन में केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कार्यकर्ताओं के साथ एक बैठक की और इस बैठक में केंद्रीय कानून मंत्री ने गीत गाकर सभी कार्यकर्ताओं को संदेश दिया। इस गीत को गाते हुए उनसे बात की हमारे संवाददाता ललित नारायण कांडपाल ने। क्या कुछ बात सुनाता आपको। लोकसभा चुनाव में हर दल अपनी राजनीति बना रहा है, अपनी रणनीति बना रहा है और अपने उम्मीदवारों को जीत का मंत्र दे रहा है। और आज इसी जीत का मंत्र देने के लिए दिल्ली के केंद्रीय मंत्री, कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल जी पहुंचे हैं, उनके साथ कई सारे कार्यकर्ता हैं। सर, मंत्र जो है वो एक बार गा के सुना देंगे तो हमारे दर्शकों को भी अच्छा लगेगा और आपका संदेश भी करोड़ों लोगों तक पहुंचेगा। मैं इलेक्शन मैनेजमेंट की टीम के साथ अभी बैठा था, इसलिए हमारे जो टीम के लोगों ने कहा कि ये सीट हम बहुत अच्छे अंतर से जीत रहे हैं, तो जीत का अंतर जितना बड़ा होगा हमारे कैंडिडेट की छवि भी निखर करके इतनी ही बड़ी आएगी ना फील्ड में। बिल्कुल, इसलिए जब सीट हम बहुत अच्छी तरह से जीत रहे हैं तो इसमें जीत का अंतर बहुत बड़ा होना चाहिए। इसके लिए मैं ये भाव प्रकट कर रहा था या इनका मनोबल बढ़ा रहा था, इसमें कोई शक नहीं है कि बादशाहपुर सीट भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़े अंतर से जीत रही है। दो लाइन सर गा के तो आप सुना दीजिए ताकि सब लोगों को, आप तो वैसे भी बड़े अच्छे, आप भी गाओगे, बड़े अच्छे गायक हैं आप। देखिए, मैंने अभी कार्यकर्ताओं को ये एक मंत्र दिया था, हमारा हो एक ही मंत्र बगाना जीत का अंतर, हमारा एक ही मंत्र बगाना जीत का अंतर, बगाना जीत का अंतर, बगाना जीत का अंतर, बगाना जीत का अंतर, हमारा एक ही मंत्र बगाना जीत का अंतर, भारत माता की जय। 29 तारीख को अमित शाह जी भी आ रहे हैं बादशाहपुर की धरती पर, तो ये और भी ज्यादा अंतर को बढ़ा देगा। बिल्कुल निश्चित रूप से। देखिए, हमारे भारतीय जनता पार्टी की रणनीति है कि जितने भी हमारे कार्यकर्ता हैं, चाहे वो किसी भी पद पे हो, वो अभी जो कैंडिडेट हमारा खड़ा है उसके साथ जैसी ड्यूटी लगती है, जैसे मैं कानून मंत्री, लेकिन मैं भी तो आया हूं, क्यों हमारी ड्यूटी लगी है, ऐसे ही हमारे गृह मंत्री जी पूरे हरियाणा में जा रहे हैं, जम्मू कश्मीर में भी जा रहे हैं, ये हमारी रणनीति का हिस्सा है। और जब प्रधानमंत्री जी या गृह मंत्री जी या रक्षा मंत्री जी या हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आते हैं तो निश्चित रूप से जीत का अंतर बढ़ता है, इसमें कोई शक नहीं है। चलिए, जब केंद्रीय मंत्री तक पूरे अभियान में जुट गए हो तो अब देखना होगा कि जीत के इस मंत्र के साथ कितना बड़ा अंतर निकल कर सामने आता है, क्योंकि मेहनत तो बड़े नेता से लेकर छोटे कार्यकर्ता तक सभी लोग कर रहे हैं। अब तय आखिरकार जनता को करना है कि 5 तारीख को वो किसके हक में अपना मतदान करती है। कैमरा पर्सन ललित कांडपाल के साथ शूरवीर सिंह, गुरुग्राम।